सो हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, तो फाइनली मैं एक नई वीडियो और नए ब्लॉग के साथ, और आज हम जाने वाले हैं दिनियाली देवी, जो कि ऊपर टॉप पे है। मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे, जन्माष्टमी मनाते हैं। और चलो चलते हैं, और मेरी वीडियो को एंड तक देखना भाइयों। तो दोस्तों अभी हम हैं रास्ते में, और मेरे साथ है लव हर्ट, और हम दोनों भाई जा रहे हैं दिनियाली देवी। और भाई एक चीज़ है, आज मौसम भी अच्छा है, साफ भी है, और देख सकते हो आप भयंकर है। हमें जाना है बिल्कुल टॉप पे, वहाँ पे मेरी फूफू भी मिल चुकी है मुझे रास्ते में। कोई बात कोई बात, हाँ कोड ठीक ठीक सुन दो बताए ना वा इधर बैठे ना तो मेरे का। भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा नीचे ही पहुंचे हैं, और हमें जाना है उस साइड बीच में नदी। भाई यहाँ पे एक बार हमने क्रिकेट खेला था इस जगह पे, देख सकते हो यार। हमें जाना है ऊपर बिल्कुल टॉप पे, वहाँ पे पहुँच चुका हूँ पुल के ऊपर, और नीचे गार्ड, और बोरा हमारा मट्टी पीछे रह चुका है। हम आ चुके हैं दूसरे साइड, देख सकते हो आप कितना मस्त व्यू है यहाँ का। तो भाइयों हम आए थे वहाँ से नीचे से होते हुए रातलधार, रातलधार से हम आए पुल के रास्ते, और ये बुड़कोट। अभी हम सड़क पे हैं, हमें जाना है बिल्कुल टॉप पे। हमें 2 घंटे हो गए हैं अभी चलते हुए, हम पहुँच चुके हैं ऊपर। भाई उधर से आया अभी कुछ नहीं दिख रहा है, थक भी लग चुकी है, और भयंकर यहाँ मौसम भी ख़राब होता है यहाँ पे, पता नहीं लगता। अभी तक तो ठीक था, लेकिन उसके तुरंत बाद मौसम भी ख़राब हो गया है, और अभी बहुत ऊपर जाना है, बारिश ना हो बस किसी का हो रही। अभी मैं और लव काफ़ी ऊपर हैं कंडियाल गांव के, है ना, कंडियाल गांव के ऊपर पहुँच चुके हैं, और अभी भयंकर वाली जर्नी है, अभी तक तो भयंकर वाली रही है। बहुत दूर है, ऊपर जाना है, बता दे दोस्तों। और एक मिनट में दिखाता हूँ आपको कहाँ पे जाना है मुझे, तो देख रहे होंगे आप बिल्कुल टॉप पे, वहाँ पे जाना है मुझे हम दोनों को। भाई देखो यार हमारे पीछे की लोकेशन, देखो पीछे की लोकेशन है, और अभी भी हमें बहुत ऊपर जाना है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आप कितना भयंकर है, और उधर है हमारा मट्टी गांव। मट्टी गांव आई थिंक छुप गया है मट्टी गांव तो दिख भी नहीं रहा है यहाँ से। और भाई वो हमारा भी जंगल है, ऊपर से भी ऊपर भयंकर वाला जंगल है हमारा भी, यहाँ भी भयंकर है यार। अभी हमें बिल्कुल टॉप पे ऊपर जंगल के रास्ते जाना है हमें अभी कंडियाल गांव में, तो चले भाई चलो यार। और भाइयों यहाँ पे ठंड लगनी शुरू हो गई है, उधर बादल हैं। अभी मैं आ चुका हूँ ऊंचाई पे, और देख सकते हो आप भयंकर ऊपर जा रहे हैं यार, और हम आए थे उधर से। भाई अभी पता भी नहीं लग रहा लोकेशन से कहाँ से आए थे, अब चले ही जा रहे हैं, देख सकते हो ऊपर ही ऊपर है यार। तो दोस्तों वो रहा हमारा गांव, और एक बात सोचने वाली है भाइयों कि गांव के ऊपर आपको बांझी बांध दिखाई देगा, यहाँ पे बांझी बांध दिखेगा। और भाई एरिया ऐसा है बांझी बांध दिखेगा, बाकी फिर तो ऊपर चीड़ के ही मिलेंगे आपको। तो भाइयों अभी अभी यार पता नहीं लग रहा है कि किस रास्ते से जाएं, क्योंकि यहाँ पे रास्ते भी बहुत हैं यार, और जंगल का एरिया, तो हम यहाँ पे बोलते हैं ना भूल भुलैया वाला, वैसा है थोड़ा सिस्टम। और देख सकते हो यार जंगल ही जंगल है, आसपास कुछ नहीं है आपको। और अभी देख रहे हैं हम कि किस साइड से जाएं, वैसे तो हाँ जी ठंडा ना जाए ऊपर जाए ठीक भाभी जी। क्या
पागम क्या बात है। हाँ जी हाँ जी, ये तो ना जाए इन तो जाए। अच्छा उबो कुर्सी दत्ती तो रहे हैं। हां हां, पानी का खाना, पानी खाऊंगा। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद पानी पीने के लिए मिलेगा हमें, हमने पानी भी ख़त्म कर दिया था। और एक चीज़ बताऊँ, फ्रेश वाटर है और फाइनली पानी मिल चुका है भाई, बहुत खुशी हुई। भाई 9 बजे चले थे हम, अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 12:30-1 बज रहे होंगे। तो भाई सब 3 घंटे लग गए हमको, 3 घंटे में हम अभी यहाँ पे पहुँचे। तो भाई हमें इतना टाइम लग गया, लेकिन जो रात के टाइम आएंगे उनका हाल क्या होगा? हम तो देख पा रहे हैं कि दूर दूर आदमी है कि नहीं है, तो बंदा रात को आएगा वो क्या होगा यार, उसको तो कुछ दिखेगा नहीं भाई। एक बार उसके पास एक ही वो हाँ, हो सकता है ऑप्शन कि जहाँ लाइट जा रही होगी। हाँ लाइट जा रही होगी, फिर तुझे पता है जंगलों में अक्सर क्या होता है, वो शेर जो भी है, बाघ, शेर तो होते नहीं इधर पर, वो रख ले तेंदुआ वगैरह। हाँ अगर उसके वो आँख चमक रहे होंगे फिर उसका तो क्या होगा। और यार देख लो यार कितना भयंकर वाला है, वीडियो में थोड़ा सा अलग लगेगा लेकिन इस टाइम ना भाई अकेला बंदा भी यहाँ पे सफ़र नहीं कर सकता, हो सकता है। हाँ गुमराह हो सकता है सही। और एक बार हम रास्ता भटक चुके थे लेकिन थोड़ा अंदाज़ा लगाया, पैरों के निशान देखे तब जाके कुछ पहुँच चुके पथ, अपने पथ पे हैं अभी भी। देखो ये होता है, एक रास्ता यहाँ पे जा रहा है, एक रास्ता यहाँ पे, तो उस बंदे को पता नहीं लगता कि किस रास्ते से जाना है। इस रास्ते से गया तो अभी होता है ऐसे, कहाँ पे पहुँचेगा? हम दो हैं, हमें पता है कि किस तरह, क्योंकि लव भाई को थोड़ी जानकारी है यहाँ की, तो इसलिए जानकारी तो क्या है, पर पहली बार हम भी तो आ रहे हैं भाई। आ तो पहली बार रहे लेकिन थोड़ा बहुत यार यहाँ रहते हैं तो अंदाजा तो रहता ही है बंदे को ना। सही बात हो, देख सकते हो आप घंटी शुरुआत होती है दिनियाली देवी, माँ दिनियाली देवी की। और भाइयों लोकेशन फाइनली पहुँच चुके हैं,